तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यामा के शोरूम। तू बैठ पीछे, ये बोल रहा सिटिंग पोजीशन ऐसे ही है इसकी। गाइस यहां पे हमने बाइक का पता किया पल्सर बजाज में। चलो भाई तो ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। चंडीगढ़ से आया लड़का। हेलो भाई, ने यहां पे रिस्क ले लिया है पानी में जाने का। ओ भाई पैर गले हो गए यार। YouTube family, welcome back to once again. भाई लोग आज का जो व्लॉग है वो नदी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे खाली वाली है ये नदी वैसे। बट क्या हुआ सीन की मैं सुबह सुबह वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, उसके बाद मैंने अंकुश को कॉल किया। अंकुश मम्मा के साथ कहीं गया हुआ था, तो फिर हम तो रेडी शेडी हो गए थे, बाइक भी हमने निकाल ली थी, तो हमने सोचा कि हम निकल पड़ते हैं। अंकुश का वेट कर रहे हैं तब तक हमने सोचा कि क्या करें। तो हमने कहीं दुकान से लिए समोसे और यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। चंडीगढ़ से आया लड़का अंशुल, और इसको तो जानते ही आप, खतरों के खिलाड़ी। आइए समोसे खाइए और साथ में भाई इन्होंने क्या किया है, टेबल कैसा बनाया है देखो। पनीर नहीं डाला यार इसने इसमें। नहीं यार है पनीर, देखिए यार आज नहीं डाला होगा, आज मूड में नहीं होगा ना भाई। रुपए का समोसा दिया और तो 10 का ही हो गया। अब 7 का कहाँ है समोसा, 10 का फुल टाइम है 7 रुपए का। मैं 5 का भी खाया है वैसे तो। बड़ा महंगा हो गया काम यहाँ पे। क्या यार क्या कर रहा थे तुसी, सुधरी जाओ ओए सुधरी जाओ निक्के ने। हो टेबल बना दे, डाइनिंग टेबल बावे। ओ भाई इतना खतरनाक टेबल है ना, जरा सा भी हाथ लगा रहे हैं सीधा नीचे। अब तो ज्यादा चटनी हमने ऐसे निकाल दी है। अब इसको कर इसमें एक में डाल दे। अब वो ये कि मामा दोनों रहने देखा था पकड़ ला, एक में डाल दे। अरे डाल रहा यार वहाँ पे वो पेड़ नहीं लगे आप देख सकते हो सामने, तो वहाँ पे ना किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आई, तो हमें लगा कि किसी ने ना वहाँ पे वो जाला सा लगाया हुआ उसमें कुछ फंस गया है, तो हम वही देखने जा रहे हैं अभी। मित्तू इनमें तो ढूंढ नहीं पाएंगे हम, हड्डियां पड़ी हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो लगा हुआ है कुछ है ना। स्पैरो? हाँ। ये चिल्ला रहे हैं, बड़े सारे हैं। छुप के चलते। वो देखो। ये चिल्ला रहे थे यार। मिशन कंप्लीट, कुछ नहीं फंसा नहीं था कुछ भी। क्यों फिर क्या? वो दूसरे वर्ड्स थे वो। पानी में जो बैठते हैं। हाँ। वो बोल रहा खड़े करना टायर, मैं नहीं बैठ रहा अब, टायर तो खड़ा ही है। चलो भाई तो ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। ऐसा ना हो तू हवा में उड़ जाए। अभी टाइम हो चुका है 3 बज गए। मैंने पटवारी को फोन किया था लेकिन पटवारी बोल रहा हम अभी मेरे को अभी 1 घंटा लग जाएगा और है, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ टाइम पास किया हमने। अभी फाइनली ओए कुत्ते तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि 1 घंटा और लगेगा। क्या लगेगा अंशू? पटवारी अपनी माँ के साथ सामान ले रहा है। उसको टाइम लग जाएगा कि यहाँ से सीधी नदी क्रॉस करनी और उसके बाद सीधा अपना दूसरा इलाका आ जाएगा। नहीं यहाँ पे रिस्क ले लिया है पानी में जाने का। हमें उतार दे। नहीं यादव तुम बहुत अयाश हो। वो जैसे कि वो चाड़ा करते हुए दिखे। ओह माय गॉड, बेशर्मी की भी आदत होती है। एक और वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे पैर लगाई देगा मित्तू हमारे। मित्तू माय गॉड से तेरे की कसम लग गया। खतरा ले लिया ये 3 बंदों को बिठा के, वाटर क्रॉसिंग है। यादव ने शूज गिल्ले कर दिए हैं चेंज करने, हमने सोचा कि घर तो आ ही गए हैं तो चेंज भी कर ही लेते हैं शूज। खतरों के खिलाड़ी गया था हमारे साथ ये। मत मत क्या कर रहा है, क्या है शूज वगैरह चेंज करके अभी हम जा रहे हैं कोटेशन लेने। अंशुल ले रहे हैं पता नहीं, नहीं भाई कैसा कुछ है अभी घर पे नहीं बताना है क्योंकि हल नहीं डालना है किस चीज का भी। हाय बाय मम्मी, बड़ी गाली आया मजा। ये जूते खाने का काम करता है ना। ओह माय गॉड, मीम बन गया ये तो। फिरोज यादव जूते मत खाया करो। तुम्हें जूतों के साथ एक पाय बांध के तो दो पाय खोड़ी। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यामा के शोरूम। ये अपनी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, और ये भाई हमारे यहीं के हैं लोकल। बैठ के देख ले एक बार। तू बैठ पीछे, ये बोल रहा सिटिंग पोजीशन ऐसे ही है इसकी।
कैरियर लगता है ना इसको, सीट का इशू था वो ना, पिक्चर सीट बड़ी छोटी, ये सेम मॉडल आता है जैसे इंटरनेशनल आता है ना। यामा में तो हमने कोटेशन वगैरह ले लिया, अभी आगे जा रहे हैं। गाइस यहां पे हमने बाइक का पता किया पल्सर बजाज में, तो 160 तो हमें अच्छी कॉस्टिंग मिल गई, मतलब एज कम्पेयर टू यामा तो काफ़ी अच्छा हमें प्राइस मिल गया यहाँ पे। तो देखते हैं अभी, डिसाइड करते हैं, हमारे अंचल बाबा डिसाइड करेंगे। कोटेशन लेके घर पहुँच गया, बड़ा फन किया हमने वहाँ भाइयों के साथ। मैं एक बात बताना आपको भूल गया, सुबह सुबह 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास मैं सोया हुआ था, और एकदम से चाची जी हैं जो मेरे, वो चिल्लाए सांप, वो तो फिर मैं उठा फटाफट, फिर बाहर आके देखा तो भाई क्या, पहले उसको हम सोच रहे थे कि मार दे, लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों मारना है, छोड़ते हैं। फिर हमने उसको बोरी में डाला और उसको छोड़ा है। अभी मैं और पापा लगे हैं काम करने थोड़ा सा, ऐसे मेरे को आता नहीं है एक ज़्यादा करना, क्योंकि इसमें तरीका होता है, वो तरीका हमें पापा लगते हैं साथ में, फिर थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ मैं। इतनी लकड़ी हमने अभी कर दी है, उसके बाद मित्तू आ गया था, पापा को फिर हमने रेस्ट दे दी, उसके बाद हमने गंद डाला, ये सारा हमने डाला गंद। खाना वाना खा के अभी आग ताप रहा हूँ, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मम्मी जी अभी बर्तन वगैरह धोंगे, मैं नहीं धो रहा हूँ, बड़ा बेशर्म इंसान हूँ मैं, हेल्प नहीं करवाता हूँ जरा भी मम्मी की। आज के ब्लॉग में हमने बहुत सारी मस्ती की, और साथ में कोटेशन वगैरह भी लेने गए थे बाइक्स की, तो बाइक्स मैक्सिमम अच्छी लगी मेरे को, पल्सर काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बजट में अच्छी है, और भागने में तो आपको पता ही है परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी है। आज का ब्लॉग हम रसोई से खत्म करेंगे, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, खुश रहो, मस्त रहो, आजाद रहो, ऐसे ही जीते रहो, उम्मीद कर दो, बाय बाय।